भारतीय टीम ने शुक्रवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्कॉटलैंड को सिर्फ 39 गेंद पर हरा दिया। भारत के सामने 86 रन का लक्ष्य था। अपनी रन रेट अफगानिस्तान से बेहतर करने के लिए उसे 43 गेंद पर इसे हासिल करना था और इसके बल्लेबाजों ने ऐसा कर दिखाया। टीम ने शानदार प्रदर्शन कर अपने कप्तान विराट कोहली को उनके 33वें जन्मदिन का शानदार तोहफा दिया। भारतीय टीम के कप्तान कोहली इस जीत से बहुत खुश नजर आ रहे थे। स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत के बाद विराट कोहली का जन्मदिन काफी शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया गया। विराट का यह वीडियो वायरल हो गया। उनके चेहरे पर केक लगा हुआ दिख रहा है, साथ ही उनके सिर पर भी केक का टुकड़ा दिख रहा है। वीडियो में वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन और ऋषभ पंत को भी जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। विराट कोहली ने मैच खत्म होने के बाद अपने बर्थडे को लेकर कहा था कि अनुष्का और वामिका यहाँ हैं तो यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। खास तौर पर ऐसे मुश्किल वक्त में परिवार का साथ होना काफी बड़ी बात है। यह परिवार का होना अपने में एक आशीर्वाद है। इससे पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने विराट कोहली को ट्वीट कर जन्मदिन की खास बधाई दी थी। तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा कि जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं विराट कोहली, सफलता, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य से भरा शानदार वर्ष हो, आपको शुभकामनाएं। इस दौरान सचिन तेंदुलकर विराट कोहली के साथ की एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें दोनों खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर तब की है जब तेंदुलकर टीम में विराट कोहली के साथ खेला करते थे। आपको बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड की पूरी टीम 17.4 ओवरों में 85 रनों पर सिमट गई। जॉर्ज मुंशी ने 24 और माइकल लिस्क ने 21 रनों का योगदान दिया। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। वहीं जसप्रीत ने 2 और रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट हासिल किया। जवाब में भारत ने 6.3 ओवरों में 2 विकेट पर 79 रन बनाकर मैच जीत लिया। केएल राहुल ने 19 गेंदों पर 6 चौके और 3 छक्के की बदौलत 50 रनों की तूफानी पारी खेली। उनके अलावा रोहित शर्मा ने भी 16 गेंदों पर 30 रन ठोक डाले जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहा।